हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो आज मैं एक थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और कॉन्सेप्ट ये है कि बिजनेस स्टडी में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो आती है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से मेमोराइज करें, यानी पॉइंट्स जो हैं क्वेश्चन के कैसे हम याद रख पाएं। क्योंकि दिक्कत ये होती है, हम बार बार उनको याद करते हैं, भूल जाते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपके साथ यही प्रॉब्लम है और आपको बिजनेस स्टडी याद नहीं हो पा रही है, तो मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ और मुझे उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, तो देखते हैं, ये जस्ट एन एक्सपेरिमेंट है। मैं इस तरीके से स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूँ बिजनेस स्टडी, बट मैंने ऑनलाइन, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है बिजनेस स्टडी रिगार्डिंग। आइए बात करते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को मेमोराइज कर सकते हैं एक मेमोरी टेक्निक यूज़ करके। फ्रेंड्स, मेमोरी टेक्निक्स पर मैंने कुछ स्टडी की है और मैंने खुद भी अप्लाई की हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने काफ़ी ट्राई किया है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों को फ़ायदा होता है तो प्लीज़ बताना ज़रूर, नीचे कमेंट करके आपको बताना कि आपको इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बोल देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी वैसे ही याद हो जाता है, उनको ज़रूरत नहीं होती। तो जिन स्टूडेंट्स को याद हो जाता है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनको याद करने में प्रॉब्लम आती है, जिनको याद नहीं रह पाता है। ओके, तो प्लीज़ अपने जो बेकार के कमेंट्स हैं प्लीज़ मत करना, उससे मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ और मैं आगे फर्दर इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा अगर आप फालतू के इधर उधर के कमेंट करेंगे। लेकिन अगर आपको इससे फ़ायदा होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आप सभी लोगों ने चैप्टर वन, आपका जो बिजनेस स्टडी का चैप्टर है उसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट? आपने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा। करेक्टरिस्टिक्स, आपने क्वेश्चन भी यहाँ से पढ़ा होगा, करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, अब यहाँ पर मैं समझाने वाला नहीं हूँ कुछ भी, आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। ओके, तो अभी जस्ट हम इन सभी पॉइंट्स को, मैं गारंटी कर रहा हूँ, अगर आपने 5 मिनट, जो भी 5 या 6-7 मिनट जो भी लगेंगे, अगर आपने मेरी वीडियो को देख लिया तो मैं गारंटी कर रहा हूँ, ये मेरा चैलेंज है, आपको सारे के सारे पॉइंट याद हो जाएंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे। ओके, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, एक बार सभी पॉइंट्स को एज इट इज़ हम यहाँ पर बोलेंगे, बोलना है आपको साथ साथ। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। दोस्त बोलना है, मेमोरी का पार्ट है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। फोर्थ, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। सिक्स्थ, मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। ओके, तो ये यहाँ पर 7 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो यानी बिजनेस स्टडी का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आपको केस स्टडी गिवन होती है। ओके, तो आपको इनका मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। अभी बस मैं जस्ट इनको याद कराने वाला हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, तो मैं यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया। देखो, ये सारा रिपीट ही हो रहा है, मैनेजमेंट इज ए, मैनेजमेंट इज एन, ये सारा रिपीट हो रहा है, तो मैं इस पार्ट को इग्नोर कर रहा हूँ। मैं बस ये जो मेन इसके वर्ड्स हैं इनको हाईलाइट मैंने कर दिया है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, इंटेंजिबल फोर्स, ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशन, कंटीन्यूअस प्रोसेस, डायनेमिक फंक्शन। देखो, इसके लिए हम एक स्टोरी याद रखेंगे। स्टोरी आपको इमेजिन करनी है, ट्राई करना है इमेजिन करने का। जितना अच्छा इमेजिनेशन आपका होगा उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे देखो आजकल के जो नेता लोग हैं, जो आजकल के नेता हैं, उनका करैक्टर ढीला हो गया है। ऐसे आप क्वेश्चन याद रखेंगे, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जो आजकल के नेता हैं उनका करैक्टर ढीला हो गया है। मतलब सबसे पहले जब भी इलेक्शन आते हैं तो वो गोल अचीव करने के लिए मंदिरों में जाना स्टार्ट कर देते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, एक्स वाई जेड, मतलब आप ये मत समझना कि मैं मंदिर बोल रहा हूँ, मस्जिद भी है भाई, उसमें सभी हैं, धर्म से कोई लेना देना मेरा नहीं है यहाँ पर। ओके, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, अब यहाँ पर देखो, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब जब भी गोल अचीव करना हो तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाना शुरू कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, ग्रुप एक्टिविटी, क्या एक नेता जो लीडर होता है वो एक जाता है या उसके साथ उसकी पार्टी के सभी जाते हैं? मतलब सभी नहीं, लेकिन कुछ तो जाते ही हैं, तो ग्रुप में जाते हैं, तो हम कहेंगे ग्रुप एक्टिविटी। तो फर्स्ट पॉइंट, जब भी गोल अचीव करना हो तो क्या करते हैं, मंदिर में जाना
शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट ग्रुप एक्टिविटी, मतलब कि इकट्ठे होकर जाते हैं, एक नेता कभी नहीं जाता, आपने नॉर्मली एक नेता नहीं देखा होगा, उसकी पार्टी के और भी नेता उसके साथ होते हैं। आगे इंटेंजिबल फोर्स, ये हम भगवान से रिलेटेड, अब भगवान में वही है भाई, जिसको भी आप मानते हो उस भगवान के लिए आप सोच सकते हैं, ठीक है, गॉड। इंटेंजिबल फोर्स, ऑल परवेसिव और मल्टी डायमेंशन। अब ध्यान से देखना, भगवान में क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है, भगवान की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंटेंजिबल फोर्स, मतलब कि दिखाई नहीं देता बट होता है, हम उसको फील कर सकते हैं, इसी तरह मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं बट दिखाई नहीं देता। ऑल परवेसिव मतलब हर जगह पर भगवान मौजूद है, हर जगह पर भगवान मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट मल्टी डायमेंशनल, मतलब भगवान कई सारे के सारी तरह के टास्क करता है, मतलब भगवान को देखो बहुत सारे टास्क करने पड़ते हैं, इंसानों का भी ध्यान रखना है, जानवरों का भी ध्यान रखना है, और बहुत सारे तरह के काम उनको मैनेज करने हैं, तो इस तरह से आप याद रखेंगे मल्टी डायमेंशनल। आगे या आप ऐसे कर सकते हैं, भगवान जी बनाएंगे और भगवान जी के आपने देखे होंगे कई सारे हाथ होते हैं, इस तरह से आपने वो भाई प्लीज़ इससे इसको किसी धर्म से रिलेट मत करना, ठीक है, जैसे यहाँ पे शेरा वाली माँ है, उनके कई सारे हाथ होते हैं, ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल बहुत सारे वर्क करते हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, अच्छा भगवान के पास जाने के बाद एक बार उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मतलब हर बार जब भी उनको इलेक्शन आता है तो हर बार वो मंदिरों में जाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो जाना चाहिए, मैं उस बात भाई हमें इसको याद रखना है, कोई इसको पर्सनली मत लेना यार, क्योंकि किसी के घर में भी हो सकता है लीडर हो, उनके फादर हो, मदर हो, प्लीज़ मैं बस इसको याद कराने के लिए कर रहा हूँ यार, अब पर्सनल मत लेना इसको, ठीक है। आगे डायनेमिक फंक्शन, ओके, तो डायनेमिक फंक्शन का मतलब कि भाई डायनेमिक फंक्शन, नेता जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तब भेड़ की तरह रिएक्ट करते हैं कि भाई हम कुछ नहीं जानते, और जब इलेक्शन में जीत जाते हैं तो भेड़िए बन जाते हैं, ठीक है, तो पर्सनल मत लेना प्लीज़, कहानी को याद करने के लिए ये सब बोलना पड़ रहा है मुझे, ओके, मेरा किसी से कोई भी पर्सनल विवाद नहीं है, ओके जी। चलिए तो इस तरह से हमें याद रखना है, सबसे पहले कैसे क्वेश्चन कैसे याद रखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, नेताओं का करेक्टर ढीला है, क्योंकि नेता लोग ही तो मैनेजमेंट करते हैं पूरी कंट्री का, ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस रिपीट करो प्लीज, क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू रिकॉल ऑल पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा स्टार्ट करते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकेंड ग्रुप एक्टिविटी, अकेले नहीं जाते ग्रुप में जाते हैं। अब भगवान से रिलेटेड तीन पॉइंट है, भगवान क्या है, इंटेंजिबल फोर्स, हम महसूस कर सकते हैं और उसको देख नहीं सकते, वही मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ऑल परवेसिव, हर जगह पर भगवान मौजूद है, तो मैनेजमेंट भी हर जगह पर लगाया जाता है, इसका मतलब ये है। मल्टी डायमेंशनल मतलब कि भगवान बड़े सारे टास्क संभालता है। आगे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मतलब कि भाई वो लोग क्या करते हैं, बार बार जाते हैं मंदिरों में जब भी उनका इलेक्शन वगैरह पास आता है। फिर डायनेमिक फंक्शन मतलब वो चेंज हो जाते हैं, डायनेमिक मतलब जल्दी से चेंज होना, तो वो चेंज हो जाते हैं जैसे इलेक्शन वो विन करते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं, ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। देखो ये चैनल अकाउंट्स खजाने का नाम है, बट यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिजनेस स्टडी के लिए भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ। दिल्ली में जो मैं क्लास लेता हूँ मैं वहाँ स्टूडेंट्स को इसी तरह से याद कराता हूँ, ओके, तो जैसा भी आपका कमेंट हो, मतलब नेगेटिव मत करना यार, डीमोटिवेट मत करना मुझे, हाँ पॉजिटिव कमेंट हो तो जरूर करना, ओके जी।
We'll be right back.